देश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। वैक्सीनेशन में 60 वर्ष से ऊपर की उम्र वालों के साथ साथ 45 से 60 साल तक की उम्र के उन लोगों को भी वैक्सीन की डोज दी जाएगी जो कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। लोग सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। वैक्सीनेशन से जुड़े सभी सवालों का जवाब VDTV आपको देता है। तो सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन। आज से शुरू हो रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन सबसे अहम है। रजिस्ट्रेशन सोमवार सुबह 9 बजे से शुरू होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप की मदद ली जा सकती है। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका सेल्फ रजिस्ट्रेशन का है, जिसमें कोविन 2.0 ऐप डाउनलोड करके या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए 1 मार्च से रजिस्टर कर सकते हैं। ऐप में सरकारी और प्राइवेट कोविन वैक्सीन सेंटर्स नजर आएंगे। इसमें आपको शेड्यूल और अन्य अहम जानकारियां नजर आएंगी। इसके अलावा ऑन साइट रजिस्ट्रेशन यानी कि वैक्सीन सेंटर पर जाकर खुद को रजिस्टर भी किया जा सकता है। ये सुविधा उन लोगों के लिए है जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है। एडवांस में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके लोगों को भी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी वैक्सीनेशन के लिए कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इनमें वो लोग शामिल होंगे जिनका चुनाव प्रशासन खुद करेगा। इनमें आशा, ANM वर्कर्स, पंचायती राज के प्रतिनिधि और महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स शामिल होंगे। वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी ID साथ ले जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ID में आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड आदि ले जा सकते हैं जिसमें आपकी जन्म तिथि सही हो। वैक्सीन की पहली डोज और दूसरी डोज मिलने के बाद लाभार्थियों के लिए एक QR कोड जनरेट किया जाएगा। इसे SMS लिंक के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है। कोरोना वैक्सीनेशन की डोज मिलने का सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन सेंटर से भी लिया जा सकता है। सरकारी वैक्सीन सेंटर्स पर वैक्सीन की डोज मुफ्त में मिलेगी, हालांकि प्राइवेट अस्पतालों पर वैक्सीन के लिए दाम चुकाने होंगे। वैक्सीन के एक डोज के लिए 250 रुपए लिए जाएंगे, जिसमें 150 रुपए टीके और 100 रुपए सर्विस चार्ज के तौर पर होंगे। 45 से 59 साल के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए बीमारी का सर्टिफिकेट भी देना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 बीमारियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ल्यूकेमिया, बोन मैरो, किडनी, लिवर और हार्ट से जुड़ी बीमारियां शामिल हैं। इसमें कैंसर से पीड़ित लोग भी शामिल किए गए हैं। वैक्सीन का पहला डोज देने वाले दिन से 28 दिनों के बाद वैक्सीन का दूसरा डोज लगेगा। अगर 28 दिन गुजरने के बाद वैक्सीन लेना भूल जाएं, तो इस बारे में हेल्थ एक्सपर्ट ने सलाह दी है कि जिसके मुताबिक वैक्सीन की दूसरी डोज का सबसे अच्छा रेस्पॉन्स 4 हफ्ते के बाद आता है। हालांकि अगर किसी कारण से कोई वैक्सीन का दूसरा डोज ठीक 4 हफ्ते बाद नहीं लगवा पाए तो वो अगले दिन लगवा सकते हैं। इस मामले में नेशनल गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। 4 हफ्ते के बाद ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के भीतर दूसरा डोज ले लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, VDTV भारत।